केजरीवाल के शिक्षा मॉडल में गरीबों के बच्चों का विदेश में पढ़ने का सपना हो रहा साकार। दिल्ली सरकार के 30 बच्चे फ्रेंच पढ़ने पहुंचे पेरिस। भारत में फ्रांसीसी दूतावास के साथ मिलकर दिल्ली की आप सरकार ने सरकारी स्कूलों के बच्चों को फ्रेंच भाषा सिखाने के लिए अलायंस फ्रांसिस के साथ एमओयू किया साइन। दिल्ली में आप सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों के 30 बच्चे फ्रेंच भाषा का एडवांस कोर्स करने के लिए पेरिस गए हैं। गरीबों के बच्चों का ये सपना आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में हुई शिक्षा क्रांति की वजह से साकार हुआ है। इन बच्चों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो इस छोटी सी उम्र में विदेश पढ़ने जाएंगे। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 30 बच्चे आज पेरिस में हैं फ्रेंच भाषा का एडवांस कोर्स करने। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला गरीब परिवार का बच्चा भी विदेश जाकर पढ़ाई करेगा। ये किसी सपने से कम नहीं है। हमने 10 सालों में वो काम कर दिखाया है जिसे लोग नामुमकिन कहते थे। दिल्ली के हर बच्चे को हम वो सभी मौके दे रहे हैं जो अब तक सिर्फ बड़े और अमीर परिवार के बच्चों को मिलते थे। दिल्ली की जनता के साथ मिलकर इस क्रांति को ऐसी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे जहां तक किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आइए जानते हैं कि कौन सी कक्षाओं के छात्र गए हैं और क्या क्या करेंगे। दिल्ली सरकार के 9वीं से 12वीं कक्षा के 30 छात्र 3 नवंबर को पेरिस पहुंचे। 4 से 15 नवंबर तक वे पेरिस में अलायंस फ्रांसिस में A2 फ्रेंच का अध्ययन करेंगे। होस्ट परिवारों के साथ रहेंगे, एफिल टावर का दौरा करेंगे और डिज्नीलैंड का अन्वेषण करेंगे। ये कार्यक्रम जो भारत में फ्रेंच दूतावास द्वारा संचालित है, दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और अलायंस फ्रांसिस की साझेदारी का परिणाम है, जिसके तहत इसके स्कूलों में फ्रेंच भाषा की शिक्षा को जोड़ा गया है। ये 30 छात्र जो ज्यादातर पहली पीढ़ी के स्कूल जाने वाले हैं, फ्रेंच सीख रहे हैं और ये यात्रा AF के इमर्शन प्रोग्राम का हिस्सा है, जिससे उन्हें फ्रेंच संस्कृति और समाज का अनुभव प्राप्त होगा और भाषा की समझ भी गहरी होगी। दिल्ली में पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार के प्रयासों से शिक्षा क्षेत्र की रूपरेखा बदल गई है। ये उपलब्धि न केवल शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली की प्रगति को दर्शाती है, बल्कि ये भी साबित करती है कि सही दिशा और संकल्प से सब कुछ संभव है।